हाय, आई एम नताशा शर्मा. मैं एक आर्टिस्ट और रिसर्चर हूँ. करंटली बॉम्बे से काम कर रही हूँ. पिछले 2 साल से मैं एक कोलैबोरेटिव के साथ काम कर रही हूँ जो अर्बन एरियाज़ में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो रहती है उनके साथ हम आर्किटेक्चर और डिज़ाइन ये टूल्स यूज़ करके उनका जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बेटर करने की कोशिश में है, बट उनके साथ. तो हमारा प्रोसेस काफ़ी लंबा चले जाता है क्योंकि हम उनसे बात करते हैं, उनकी चैलेंजेस के बारे में पता करते हैं, फिर उन्हीं के साथ जो भी आइडियाज़ आए डिज़ाइन के, इंटरवेंशंस के, वो इम्प्लीमेंट करते हैं. उससे एक उदाहरण, एग्जाम्पल बन जाता है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि इस जगह जो आपने इतनी कम जगह दी लोगों को रहने के लिए, उस जगह में क्या क्या लोग कर रहे हैं. तो मैंने जो पढ़ाई करी वो सृष्टि स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में करी थी, और तब मेरा फोकस वाज जस्ट कि यार डिज़ाइन से क्या हो सकता है. ठीक है, बहुत कम नॉलेज थी कि डिज़ाइन से बहुत कुछ हो भी सकता है कि नहीं, बट था. और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में काम करा कि इंडिया में, और इंडिया में तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स निकल आती है ना, मतलब बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, आप हर जगह देखो तो प्रॉब्लम है. तो एक तरीके से वहाँ पे से ट्राई करा कि कैसे आर्ट और डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं. उसी जब वो ख़त्म हुआ डायरेक्टली मेरा मन करा कि मैं न्यूयॉर्क जाके भी करूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है. ओके, इट्स अ टोटली डेवलप्ड वर्ल्ड, बट आई रियलाइज दैट इश्यूज ऑफ पीपल आर सिमिलर रिगार्डलेस ऑफ हाउ डेवलपिंग कंट्री में हो या डेवलप्ड कंट्री में हो, क्योंकि वहाँ पे भी है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, वहाँ पे भी है सेक्शन जहाँ पे उनको बाहर ही रखा जाता है, जहाँ पे है कि सोसाइटी में एलीट एलीट हैं, आप छोटे हो तो आप छोटे ही हो. मुझे वो टेंशन काफ़ी अच्छी लगी. कहीं पे भी जाओ कर आपको वो दिखता है तो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है फिर, कि हम लोगों को अलग अलग तरीकों में बांटते रहते हैं, और जो मेजरमेंट है वो बांटने का, दैट योर मनी, योर एडुकेशन, योर लैंग्वेज, योर कलर, those are all so irrelevant when it comes to humanity. So that's what I saw, you know, when I'm like, I'm traveling here, traveling there, but what's inspiring me is something totally different. But ye experience jo New York ka raha tha, chhota tha, 6 mahine ka, but it helped me understand ki mai ko kya nahi karna hai, not so much kya karna hai. Theek hai, to ye sari cheeze ye ki ke लोग वहाँ पे भी आर्ट डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन जिस एरिया में कर रहे थे वो मुझे काफ़ी एलिटिस्ट लगा. मुझे लगा कि आप जिसके लिए आर्ट बना रहे हो या जिसका नाम लेके बना रहे हो, वो तो आ ही नहीं रहा देखने के लिए. जिस जगह पे आप बना रहे हो उधर सिर्फ 20 लोग को इनवाइट ओनली है. तो आप कितने भी इंस्पायर हो जाओ दुनिया से, सारी दुनिया तो देख नहीं पा रही है आपकी आर्ट. तो मुझे लगा कि यार ये नहीं करना मुझे. फिर उसके बाद ऑफकोर्स आई केम बैक टू बॉम्बे and thought of it from that context, and I was like, यहाँ ही इतना है, यहाँ पे तो मुझे हर सिचुएशन में आर्ट लगता है. That's what I say, आर्ट इज इन सिचुएशंस. कबिन पार्क एक बैंगलोर में जगह है, बहुत सारे लोग वहाँ पर पिकनिक करने आते हैं. ठीक है, और पिकनिक की जगह किस तरह ढूंढते हैं लोग, लोग बोलते हैं कि ठीक है पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ जाओगा, यहाँ पे मेरी फैमिली है. तो मैंने क्या करा, मैंने एक चॉक पाउडर लिया और उसी जगह पे ना एक चॉक पाउडर से लाइन बना दिया कि यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो. लिखा नहीं कुछ भी, बस चॉक पाउडर से ऐसा गोल गोल करके बना दिया और देखा कि अगर लोग बैठते हैं नहीं बैठते हैं. बट सडनली जब वो लाइन बना दी तो लोग नहीं गए उसके अंदर, क्योंकि लोगों को लगा कि यार ये जगह किसी और की है. तो मुझे लगा कि यार एक लाइन आपको बता सकती है कि जगह किसकी है. और हम बोलते हैं ये पब्लिक स्पेस है, बट ये पब्लिक स्पेस कैसे है जब आपको आपको लग रहा है कि किसी की अथॉरिटी है वहां पे. तो मुझे इसमें भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा कि हम स्पेसेस को नाम दे देते हैं, लेकिन कहीं पे भी इंसान को लगता है कि आई बिलोंग हियर, कि ये मेरी जगह है. स्पेशली इन ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, कौन सी जगह किसकी है किसी को पता नहीं है. ठीक है, तो मेरे को इसमें मजा आता है, ये सिचुएशन क्रिएट में करने में मजा आता है. एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको कहीं तरह का, सोशल एक्सपेरिमेंट, बाय यू ट्राई दिस और फिर पीपल के रिएक्शन देखो और उससे स्टडी करो. ठीक है कि आप आर्ट और डिजाइन यू यूज इट टू make something look nicer or make something feel nicer, but mere liye art ek nazariya tha, it's a perspective, that how can I change kisi ka perspective is cheez pe. आपको एक प्रॉब्लम दिखती है, क्या वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिख पाएगी? क्या आपको, अगर आपको एक प्रॉब्लम दिखती है तो आप वो प्रॉब्लम किस नज़रिए से देख रहे हो? क्या आर्ट एक जरिया बन सकता है वो नज़रिए को बदलने का, तो शायद प्रॉब्लम भी बदल जाए. वो अगर हो पाए मेरे काम से तो मुझे लगता है
बहुत अच्छा। और ये मेरे काम से बिल्कुल नहीं होगा अकेले, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि यार दुनिया में नज़रिए का ही प्रॉब्लम है। तो आर्ट एक टूल है, फिल्म मेकिंग भी एक टूल है, बहुत सारे टूल्स हैं जो ये करते हैं। तो अर्बन पोएटिक्स जो है, इट्स अ पेज जहाँ पे मैं बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करती हूँ, लिटरली अ खिचड़ी इफ़ यू वांट टू कॉल इट, ओके। बट दोज आइडियाज़ कम डाउन टू अ सिंगल थीम कि यार हम जहाँ रहते हैं, हम जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो जगह बना रही है हमारे लिए, बिल्डिंग हो या मेट्रो हो, ये जो चेंजिंग लैंडस्केप है हमारे बिहेवियर को बहुत चेंज कर रही है, ठीक है। हम जहाँ विलेजेस में रहते थे ऐसे घुल मिल के, जहाँ पे दरवाज़ा खुला हो तो खुला हो, बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे, एक कम्युनिटी सेंस था जो अभी अर्बन एरियाज में बिल्कुल नहीं है। अर्बन पोएटिक्स उस चीज़ को हाईलाइट करती है, सोशली करती है, पॉलिटिकली भी करती है। तो और जो भी मेरे को इस आइडियाज़ आते हैं वो मैं लिख देती हूँ, या कभी कभी उसका कोई इंस्टॉलेशन बन जाता है, या कभी कभी किसी और के से आइडियाज़ आते तो मैं वो रीपोस्ट कर देती हूँ। बट इट इज़ अ प्लेस फॉर कॉन्वर्जेशंस कि आप इस बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो तो चलो सोचते हैं, वो शेयर करने के लिए अर्बन पोएटिक्स है। इनिशियली जो आइडिया था वो था कि यार पब्लिक स्पेसेस में काम हो रहा है तो आप कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसको बताओगे, वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है, ये एक विजुअल है। तो वो मेरा सबसे बड़ा टेंशन था कि कैसे करें, और मुझे अभी तक नहीं लगता कि इट्स पॉसिबल। बट जब मैंने डालना चालू करा, अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टिल हुक्ड, अ लॉट ऑफ पीपल को लगा कि हाँ ठीक है यार ये क्या है, चलो लेट्स टॉक। सो जब वो दे स्टार्टेड राइटिंग बैक कि यार अब बताओ, कैन यू एक्सपैंड ऑन दिस, कैन यू टेल मी व्हाट दिस इंस्टॉलेशन वाज, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट गार्बेज, इतना कचरे पे इतना क्यों बात कर रहे हो, तो मैंने उनको बताया। तो मुझे लगा कि यार जैसे आर्ट भी एक टूल है, उसको अगर आपको बढ़ाना है तो आप इंस्टाग्राम को भी एक टूल की तरह यूज़ कर लो। जो आर्ट है इस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, और इसकी एक अलग जगह होती है करने की, ठीक है। लेकिन आर्ट हमेशा से ऐसे नहीं था। आर्ट अगर आप पहले भी देखे जाओ इंडिया में, तो आर्ट इज़ लाइक द स्ट्रीट आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, ये सारी चीज़ें हमेशा होती थी जो लोगों के लिए थी, स्किट्स जो करते थे। बट वो चेंज होने लगा क्योंकि आर्ट को अभी एक पैसे की नज़रिए से भी देखा गया कि आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, आप बिजनेस कैसे बना सकते हो, तो आर्ट की एक जगह हो गई। उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उधर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लगता है कि यार बहुत लोगों को देख पाना चाहिए जो भी बन रहा है और किन के लिए बन रहा है। तो पब्लिक आर्ट वो अलाउ करता है कि आप एक म्यूजियम में या फिर एक गैलरी में ही आर्ट नहीं कर रहे हो जिसका एक्सेस बहुत कम लोगों को है, बट आप एक पब्लिक स्पेस में कर रहे हो, जैसे एक पार्क है, मेट्रो स्टेशन है, आपकी बिल्डिंग का गार्डन है, वहाँ आप कर रहे हो, तो लोग ज्वाइन ईजिली हो जाते हैं, लोग खड़े रहते हैं, देखते हैं, तो उनको थॉट आ जाता है। तो मुझे वो अच्छा लगता है पब्लिक आर्ट में कि एन आर्टिस्ट एंड द पब्लिक विद द वर्क आर इंटरैक्टिंग टुगेदर। आई फील कि आर्ट ना हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी लुक एट समथिंग डिफरेंटली, ठीक है। ग्रोइंग अप ऑल्सो इफ आई फाउंड पीस इन समथिंग, इट वॉज टू समटाइम्स लुक इन द स्काई, विच आई थिंक इज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट, समटाइम्स द नेचर, there was music, there was conversation, and I felt like ये सारी चीज़ें जो आपको reality से जोड़ती हैं और जिस तरीके से जोड़ती हैं उसमें मुझे art दिखता है। तो जब obviously painting, drawing ये तो था ही hobbies के हिसाब से, but उसमें मुझे शांति बहुत मिलती थी। तो मुझे लगा यार अगर life में कुछ करना है तो वो करो जिससे थोड़ी शांति मिले, तो इसलिए मैंने art करा कि चलो करते हैं। बट जब मैं कॉलेज गई, डिज़ाइन आर्ट नहीं पता था किस लिए, यू नो लाइक ठीक है लोगो बनाना इज़ दैट डिज़ाइन, या किसी का घर बनाना इज़ दैट डिज़ाइन। तो बहुत सारी चीज़ें थे जो मैंने सीखी कि यार ये एक्चुअली सब कुछ आर्ट और डिज़ाइन है, यार हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी एक मोमेंट है ना, मोमेंट इज़ एन आर्ट। सो अगर सब कुछ आर्ट है तो फिर हाउ एम आई सपोज टू पुट माई फुट इन से कि ये करना है मुझे। तो उधर मुझे लगा कि इफ़ आर्ट कैन एनेबल, अगर वो लोगों को साथ ला सकती है और साथ में लोग कुछ कर सकते हैं, अगर वो आर्टिस्टिक रूट हो जाए तो शायद उसमें शांति मिल जाए मुझे। आई डोंट नो व्हाट हैज चेंज्ड इन हर एज अ पर्सन, बट आई नो दिस मच दैट आई कुड सी दीदी एज हु शी इज फाइनली। मुझे बचपन से लगता था कि दीदी बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है,
ये है वो है, बट देन मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, शी इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, शी इज एज इमोशनल एज एनीबडी एल्स इज, वो बस दिखाती नहीं थी. पर मी दीदी इज समबडी जिन्होंने मुझे बहुत फोर्सफुली सिखाया है कि जस्ट बिकॉज सब ये कर रहे हैं तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज सबका करियर डिसाइडेड है तुम लोग के फ्रेंड्स में, इसका मतलब ये नहीं है तेरा नहीं है तो तेरे में टैलेंट नहीं है. She was the one who told me not to hop on that bandwagon of कि सब कर रहे हैं तो तुझे भी करना है. मैं नताशा शर्मा और ये मेरी कहानी, मेरी कहानी बहुतों की कहानी से जुड़ी है, तो शायद आपकी भी होगी, तो उन लोगों को याद करें और उनसे बातें करें और अपनी कहानी भी मुझे सुनाए कभी.